हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ निका फहद। आप लोगों को ईद का तीसरा दिन बहुत मुबारक हो। और मैं, आप लोग देख रहे होंगे कि आधा तैयार आधा इस तरह, बस अम्मी के घर में आज मेरी दावत है। दो दिन अपने ईद के तो अपने घर बहुत ज़्यादा बिजी गुजरे ससुराल में, तो आज अम्मी के घर दावत है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल तैयार हो रही हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आएँ। और हाँ, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? यकीनन आप लोगों ने बहुत मज़ा किया होगा ईद में, तो ख़ासकर लेडीज़ वही घर के काम, गोश संभालना, ये सब करना। लेकिन ये है कि साथ साथ मज़ा भी तो आता है ना, जब सब आते हैं, सबके साथ खाना खाओ, दावत इंजॉय करो, और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। और उसके बाद चले जी, ये तो हम तैयार होकर अपने घर से, मैं अपनी अम्मी के घर पे आई हूँ। बस यहाँ पे अब दावत का सिलसिला चल रहा है, खाने पीने भी कच्चे घीमे की टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं। और बस आप लोगों ने देखा होगा मैं भी तैयार हो गई। दो दिन बाद मुझे तैयार होने का अच्छा सा मौका मिला है, चूड़ियाँ वगैरह पहनने का, वरना घर के काम काजों में तो चूड़ियाँ पहनने का मौका ही नहीं मिलता। ज़ाहिर काम ही कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। ये देखें, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। जब ये कढ़ाई में भी कुछ ढका हुआ है, हाँ, दुम्बे की कढ़ाई। और ये देखना, ये भी सलाद की प्याज काट के रखी है। ये दो चीज़ें भी अभी ढकी हुई हैं, जब मैं डिश आउट करेंगे तो फिर दिखाऊंगे। क्या बात है, ये है दुम्बे की कढ़ाई, जबरदस्त। अम्मा हरा धनिया तो डालो, ये हरा धनिया डाल दिया मैंने जी। देखिए हमारा खाना डिश आउट हो गया, सलाद रायता है, ये दुम्बे की कढ़ाई है, ये बीफ बोटी है, अचार गोश्त है, और ये साथ में कांगे टिक्कियाँ हमारी, ये हमारी टिक्कियाँ भी रेडी हो गई हैं, बाकी तैयार हो रही हैं। दस्तरखान अंदर सारा बिछ चुका है हमारा, देखें दस्तरखान हमारा लग चुका है, अब हम लोग खाना खाएंगे।